बारामूला में टूटा है मतदान का रिकॉर्ड। बारामूला में मतदान का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। मुंबई से ज्यादा बारामूला में मतदान हुआ। मुंबई में सलमान, शाहरुख और आमिर ने मतदान किया, लेकिन असली हीरो बने कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान करने वाले लोग। बारामूला में इस बार 59% वोटिंग हुई, ये अब तक का रिकॉर्ड है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सज्जद लोन और जेल में बंद फायर ब्रांड नेता इंजीनियर रशीद हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोगों का बड़ी संख्या में वोट डालना आतंकवाद को करारा जवाब है। बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में बदलाव पर सवाल उठाने वालों को लोगों ने करारा जवाब दिया है। पांचवें चरण में बारामूला लोकसभा सीट पर हुए बंपर मतदान की पूरे देश में चर्चा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कश्मीर के लिए अहम दिन। लोकसभा सीट पर पिछली बार की तुलना में 20% ज्यादा मतदान हुआ। अब ये पूरी तरह साबित हो गया है कि मोदी सरकार के कश्मीर में विकास और शांति के प्रयासों ने लोगों का लोकतंत्र में भरोसा मजबूत किया है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो पूछते थे कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में क्या बदला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1990 से पहले भी काफी वोट पड़ते थे। 1990 से पहले जो इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शनों में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया वो क्यों था? क्योंकि 1990 से पहले तो 370 था, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस नगर की वो बात कर रहे हैं, इस बार 30% पड़ा होगा। उन दौरान जो है 70-80% से कम वोट पड़ते नहीं थे श्रीनगर से, वो क्यों पड़ते थे? हकीकत ये है कि उस वक्त 96 के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं।